हाई कोर्ट एडवोकेट राजीव कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी ने टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर के अलावा विष्णु अग्रवाल नामक एक व्यक्ति से पूछताछ की है। विष्णु अग्रवाल टेरर फंडिंग मामले में आरोपित रहे सोनू अग्रवाल का सहयोगी बताया जा रहा है। ईडी को यह भी सूचना है कि वकील राजीव कुमार और उनके बेटे को कोलकाता जाने के लिए टूर एंड ट्रेवल एजेंट को सोनू अग्रवाल के कहने पर ही विष्णु अग्रवाल ने एयर टिकट का भुगतान किया था। इसके बाद एडवोकेट राजीव कुमार कोलकाता गए थे। यहाँ 31 जुलाई को कोलकाता के बिजनेसमैन अमित अग्रवाल ने बंगाल के पुलिस के साथ मिलकर 50 लाख रुपयों के साथ राजीव कुमार को गिरफ्तार करवाया था। वहां एयर हेयर स्ट्रीट थाने में अधिवक्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सूचना यह है कि ईडी ने पहले टिकट उपलब्ध कराने वाले टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर से पूछताछ की तो उसने इस बात से इनकार कर लिया और राजीव कुमार के लिए फंडिंग किसी और ने की है। उनसे पहले ईडी को बताया कि राजीव कुमार ने स्वयं टिकट लिया था। वहीं जब ईडी ने सख्ती बरती तो उसने बताया कि उसने विष्णु अग्रवाल ने फंडिंग की थी। इसके बाद से विष्णु अग्रवाल को बुलाया और पूछताछ की। फिलहाल खबरों के मुताबिक ईडी ने विष्णु अग्रवाल का मोबाइल जब्त कर लिया है।